एक्चुअली मस्तराम जो है एक फिक्शनल बायोग्राफी है. मस्तराम एक्चुअली एक इंसान का पेन नेम है जो कि किसी को भी नहीं पता उसका रियल नेम क्या है. तो हमारी फिल्म जो है उस बंदे के बारे में जो कि सॉफ्ट पॉर्न जिसने हिंदी बेल्ट में इंडिया में शुरू किया था 1980s के आसपास उसकी फिक्शनल बायोग्राफी है. नहीं गुंजन मेरे वाले सपना पूरा हो गया उसका. मेरा उस सपना पूरा हो गया. मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा था बिकॉज आई कम फ्रॉम दिल्ली. तो मैंने तो बचपन में बहुत मस्तराम पढ़ी है. बचपन में नहीं मतलब जब मैं थिएटर करता था. सो जब मुझे पहली बार गुंजन ने और अखिलेश ने स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ तो मुझे लगा अरे वाह यार क्या बात है. और दूसरी तरफ मुझे लगा यार ये कैसे मतलब कोई बना भी सकता है ये फिल्म. एंड दैट करेज एंड दैट ऑनेस्टी विच गुंजन एंड अखिलेश हैड दैट कंपेल्ड मी टू डू दिस फिल्म. आप किसी को भी मतलब आप किसी भी फेमस मतलब एनी ऑफ द वेल नोन सिंगर्स और समथिंग इफ यू यूज देयर सॉन्ग देन ऑब्वियसली उनके भी फैंस सुनेंगे गाने. But I think he is a perfect person for our film because firstly, you know, he loved the film when he watched it. And secondly, Gunjan has told me that when he watched it, he said, this is my story, you know. So he also connected to the story. So I think in a way, it's also meant to be that he's done a song. Mastaram ke baare mein ki ye controversial subject hai, isme ye hai, kya milega? और लाइक टू से आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग ग्लैमर में रहते हैं फिल्म कवर करते हैं बट आपकी रेगुलर लाइफ तो बहुत नॉर्मल होगी ना. आप घर जाते होंगे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे बच्चों के रहते होंगे और सो जाते होंगे. आपका ये जॉब है तो ये कहानी उसी राइटर की जो पॉन लिखता है बट ही इज़ नॉट समबडी हु वेरी जो उसको हमेशा ही सेक्सिस्ट के माइंड में रहता है. वैसा नहीं है वेरी सिंपल गाय. आई एम ग्लैड कि अभी लोग बना रहे हैं इस तरह की फिल्में. आई थिंक इट्स अ डेयरिंग सब्जेक्ट वी कैन चूज. तो आई एम ग्लैड कि अखिलेश ने ऐसा कुछ सोचा और उसको इतनी बखूबी से बनाया है. मतलब ट्रेलर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर द फिल्म नाउ. लोगों आई थिंक जो एंड पार्ट है कि अगर आप मस्तराम के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने चाचा ताऊ और बड़े भाइयों से पूछें. आई थिंक दैट्स रियली इंटरेस्टिंग.